मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। हंगामा इतना बढ़ा कि कांग्रेस ने विधानसभा गर्भगृह तक जा पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी ने सदन के अंदर विपक्ष के रवैये को आपत्तिजनक बताया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विधानसभा में गौरवशाली इतिहास पर विपक्ष के विधायकों ने कुठाराघात किया है। हो राज्यसभा हो या विधानसभा हो, हमारे यहां की यह गौरवशाली परंपरा रही है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में जिन विशिष्ट लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये श्रद्धांजलि हमारे श्रद्धा सुमन होते हैं उन महानुभावों के लिए जो हमारे बीच में नहीं रहे, और ये परंपरा रही है कि उस बीच में कभी भी कोई विवाद नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती, क्योंकि सत्र कोई आज ही समाप्त न होने वाला नहीं था, सत्र आगे भी चलने वाला है। पर कांग्रेस जिस प्रकार से आज अपना व्यवहार यहां पर उन्होंने दर्शाया है और खासकर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विधानसभा की परंपराओं को तार तार किया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह हंगामा करने की कोशिश की, केवल मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए उन्होंने ये काम किया। और जिस मुद्दे को लेकर वो बातचीत कर रहे थे, उस श्रद्धांजलि जिनको दी जा रही थी, उस वर्ग के भी बहुत सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने की लिस्ट में नाम शामिल थे। निश्चित रूप से ये कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक व्यवहार है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।